CIMT ग्लोबल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टैली ERP 9 में परचेज IGST। परचेज IGST क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। परचेज IGST, जैसा कि जब हम परचेज IGST की एंट्री करते हैं तो परचेज IGST में हमें दो बातों का खास ध्यान देना होता है। पहला नंबर, जब हम कोई सामान को ख़रीदते हैं तो उसकी GST 5, 12, 18% होनी चाहिए या होती है, और 28% भी होती है। और जिस पार्टी से हम माल ख़रीद रहे हैं वो पार्टी हमारी अदर स्टेट में होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी पार्टी है दिल्ली में, तो हम जो सामान परचेज कर रहे हैं वो सामान हम अदर स्टेट से ख़रीदेंगे, जैसे UP, हरियाणा, पंजाब। तो इस तरह से हम अगर स्टेट से ख़रीदते हैं तो इसकी एंट्री हम परचेज IGST में करेंगे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं दोस्तों, परचेज IGST की एंट्री कैसे करते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं परचेज IGST, और परचेज IGST ओपन करने के लिए सबसे पहला नंबर हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, यानी कि भी प्रेस कर दो टैली ओपन करके, आप अपना टैली ओपन करिए और इन्वेंट्री वाउचर में जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको परचेज पे जाना है, परचेज पे आ जाइए। परचेज में आने के बाद आप सबसे पहले नंबर इनवाइस नंबर टाइप करिए, जो आप सामान ख़रीदे हैं आपको जो वहाँ से इनवाइस मिला है, तो आप जो इसकी एंट्री करोगे तो उसे इनवाइस में जो इनवाइस नंबर होता है आप यहाँ पे उसको टाइप करिए, इंटर करिए। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट डालिए जो इनवाइस में डेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप पार्टी का नाम डालिए, पार्टी नाम जो भी हो, जिस पार्टी से आप माल ख़रीदें उस पार्टी का नाम डालिए, जो भी पार्टी हो। तो यहाँ पे हम पार्टी का नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं सुमन इंटरप्राइजेज। अब सुमन इंटरप्राइजेज हमें देखना है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में है या नहीं है। तो सुमन इंटरप्राइजेज ये हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कोई हमारा सुमन के नाम से कोई अकाउंट नहीं है, तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा सुमन का, यानी कि पार्टी नेम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए, जैसा कि हम आपको पिछले चैप्टर में बताया है, आपको Alt+C करना है। यहाँ पे Alt+C करिए, Alt+C करने के बाद यहाँ पे आप पार्टी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम यहाँ पे आप टाइप करिए। तो यहाँ पे हमने पार्टी का नाम टाइप कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, अंडर में आ जाना है। अब यहाँ पे अंडर में आने के बाद हम यहाँ पे जो पार्टी लिया वो पार्टी किस ग्रुप में आएगा। तो पार्टी को हमने, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया है, कि एक सही ग्रुप का हम जब तक चयन नहीं करेंगे तब तक हमारा अकाउंट वहाँ पर शो नहीं होगा, और हम उस अकाउंट को, पार्टी को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो, जब हम किसी पार्टी से माल ख़रीदते हैं तो उस पार्टी को किस ग्रुप में डालेंगे, तो ये ग्रुप आएगा हमारा सेंड्री क्रेडिटर्स में। सेंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे डालिए, ये सेंड्री क्रेडिटर्स है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एंटर करिए और आगे बढ़िए। अब आपकी ये जो पार्टी है कहाँ की है उसका पूरा एड्रेस डालिए। यहाँ पे हम पार्टी का एड्रेस डाल देते हैं, तो पार्टी का एड्रेस जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं उद्योग विहार, गुड़गांव, और इंटर करो। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लो और आप स्टेट सेलेक्ट करिए, तो स्टेट हमारा गुड़गांव जो है हरियाणा में आता है, तो यहाँ पे हम हरियाणा ले लेंगे, और हरियाणा आ गया। अब उसके बाद हमें जो पिन कोड होगा हरियाणा का हम यहाँ पे डाल देंगे, और अगर डालना चाहे तो, नहीं डालना तो कोई इशू नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे इंटर करिए, और यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है। तो हरियाणा का जो GST नंबर होगा दोस्तों आप देख लेना, और यहाँ पे आपको GST नंबर डाल देना है, या जो पार्टी से माल ख़रीदें उस बिल में आपको GST नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ पे डाल देना। अभी मेरे पास है नहीं GST नंबर, हम आपको
अगले वीडियो में जीएसटी नंबर हरियाणा का डाल के या जीएसटी नंबर एक्टिवेट के करके डाल देंगे, जैसा कि हमने दिल्ली का डाला था 07 करके। और हरियाणा का अगर डालना है तो आप गूगल सर्च कर लेना और यहाँ से डाल देना, इंटर करो, इंटर करो और यहाँ से इंटर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरह से इसको क्रिएट कर लो, अब आगे बढ़ो। अब जो है परचुएज लेजर हमें क्रिएट करना है, तो परचुएज लेजर हमारा होगा परचुएज आईजीएसटी, परचुएज आईजीएसटी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो परचुएज आईजीएसटी क्रिएट करने के लिए हम पहले तो देख लेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचुएज आईजीएसटी है या नहीं है। तो यहाँ पे परचुएज एग्जेम्प्टेड है और परचुएज जीएसटी है, बट परचुएज आईजीएसटी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें परचुएज आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्ट सी करिए और परचुएज आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे परचुएज आईजीएसटी हमने लेजर क्रिएट कर लिया, अब इंटर करके यहाँ पे आ जाते हैं हम ग्रुप में। अब ये जो ग्रुप है परचुएज आईजीएसटी के, मतलब किस ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पे हमें डालना है परचुएज अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचुएज अकाउंट का ग्रुप ले लेते हैं, परचुएज अकाउंट आ गया, यहाँ पे हम इसको इंटर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इंटर करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो परचुएज आईजीएसटी का हमने ग्रुप बना लिया, यानी कि लेजर बना लिया। अब हमें यहाँ पे डालना है आइटम नेम, आइटम का नाम डालना है, हमने जो सामान खरीदा है उस प्रोडक्ट का नाम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका नाम हम डाल देते हैं जो भी होगा। चलिए सपोज डेट यहाँ पे हम ले लेते हैं रियलमी मोबाइल या रेडमी मोबाइल, कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पे हम रियलमी का फ़ोन लेते हैं, रियलमी 8i ले लेते हैं। तो यहाँ पे रियलमी 8i, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में अगर हम देखते हैं तो रियलमी 8i का कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जो कि स्टॉक में है। तो हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। इसको भी क्रिएट करने के लिए हमें अल्ट सी करना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इसको यहाँ पे अल्ट सी करिए और यहाँ पे डालिए रियलमी ब्लैक 4/64 कर देते हैं। ठीक है, 4GB रैम हो गया, 64 इंटरनल मेमोरी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अंडर में, अंडर में हमें प्राइमरी ही रखना है। यूनिट्स में आ जाते हैं, यूनिट्स में आ जाएगा ये पीस में। तो यहाँ पे पीस को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और इंटर करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ पे नो है, इसको यस कर देंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑन वैल्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल है या नहीं है, तो इसको टैक्सेबल करेंगे, जीएसटी कट रहा है कितना परसेंट, 28% जीएसटी कट रहा है, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे। इस तरह से आपका जीएसटी यहाँ से हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे गुड्स रहेगा और आपको इंटर करना है, इंटर करना है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितना पीस मोबाइल ख़रीदा, यहाँ पे 5 पीस कर देते हैं, 5 पीस हो गया। अब उसके बाद एक फ़ोन का यानी कि एक मोबाइल का प्राइस क्या है, तो यहाँ पे उसका रेट डाल देते हैं 16,999 रुपये और 33 पैसे, इंटर कर देते हैं और इंटर करके आगे आ जाते हैं। अब हमने दूसरा लिया रेडमी का कोई फ़ोन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेडमी डाल देते हैं। तो रेडमी की एंट्री कैसे करेंगे, अब यहाँ पे रेडमी टाइप करते हैं, तो रेडमी तो है नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में, तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ओनली आपको रियलमी ब्लैक, यहाँ पे सॉरी दोस्तों बल्क हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको सही कर लेना है। हमें यहाँ पे रियलमी ब्लैक करना है, 8/128 कर देना है, ठीक है, या 6/128 कर दो। तो इसको क्रिएट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए और यहाँ पे आप टाइप कर दो रेडमी ब्लैक 6/128 हो गया। इसको भी पीस में सेलेक्ट करिए यहाँ पे और इंटर करिए, इंटर करिए, इसको यस करिए और इंटर करिए। यहाँ से ऑन वैल्यू और टैक्सेबल है, तो यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करिए, इसका भी 28% कर दो, इंटर करो, इंटर करो, आप गुड्स है, गुड्स करो, इंटर करो, एक्सेप्ट कर लो। इसको ले लेते हैं हम 7 पीस ले लेते हैं, इसका है 14,000
₹999, 37 पैसे, 37 पैसे हो गए। इंटर करो, इंटर करो, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप जो जो सामान खरीदें उसकी एंट्री यहाँ पे परचेज में कर लेना है, और उसके बाद जब आपकी एंट्री हो जाती है तो इंटर करके आगे बढ़ो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे IGST काटना है, तो IGST के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा IGST। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे परचेज IGST दिखा रहा है, IGST नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको IGST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो IGST का लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे Alt+C करना है। आप Alt+C करिए और IGST करिए, यहाँ पे इंटर करिएगा, और यहाँ पे ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। ये किसके ग्रुप में आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दो, इंटर करो, यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लो आप, और ये किस में आएगा? ये आएगा आपका इंटीग्रेटेड टैक्स में। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कर दो, यहाँ पे इस पर क्लिक करो, इंटर इंटर, और यहाँ पे इंटर करो, आगे बढ़ जाओ। अब इसे एक्सेप्ट कर लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो IGST यहाँ पे कट चुका है। अगर आपको डाउट है GST का, यानी कि CGST और SGST कटा है या नहीं कटा है, तो उसको भी यहाँ पे हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, CGST देख लो, नीला आ रहा है, इंटर करो, SGST कर लो, SGST आपका ये रहा, ये भी नीला आ रहा है। अब उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ में आपको क्या देखना होता है कि हमें देखो, जैसे यहाँ पे 243,190 रुपये है यहाँ पे, और 7 पैसे हैं। तो 243,190 रुपये 7 पैसे जो है, इसको राउंड ऑफ में लेके इसको बराबर करना है। या तो जैसे कि यहाँ पे 7 पैसे यानी कि 50 पैसे या 50 पैसे के ऊपर होता है, तो ये जो है यहाँ पे 191 रुपये हो जाएगा, यानी कि 91 हो जाएगा। अगर ये 50 से कम है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 90 ही रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ में इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ ले लीजिए। अगर आपको राउंड ऑफ या CGST SGST एक्टिवेट नहीं करना आता तो हमारा चैप्टर 4 देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर 5 है, तो चैप्टर 5 में आपको IGST बताया जा रहा है, परचेज IGST की एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो यहाँ पे राउंड ऑफ आ गया। और आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो 243,190 रुपये आया, उसके बाद 00 पैसा दिखा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ। उसके बाद यहाँ से इंटर करते हैं, आप आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना, अब इसे एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह से दोस्तों हम परचेज IGST की एंट्री करते हैं। हम आपको परचेज IGST के बाद आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 6 में, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड क्या होता है, हम आपको चैप्टर 6 में आपको बताएंगे। परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड के बारे में अगर आपको जानना है तो चैप्टर 6 देखिएगा।